मैं लेट हो गई। हाँ, क्योंकि ये सब कर रहे थे ना। ओके बेटा, ओके। अभी तो मैं रहूंगी। कैसे होगा ये? हाँ उषा, हेलो संजीव, हेलो संजीव, हाय उषा। अमन आया, देखो उषा। और तुम्हारा पुदीना कैसा हो रहा उषा? हाय मधु, उषा तुम्हारा वो कैसा हो रहा प्लांट? पुदीने वाला बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा पुदीना है। अमन नहीं नमन, ओ अमन नहीं नमन। हाँ मधु, मस्त हो रहा, अभी भी हो रहा है। ओ गॉड, वाणी जी हेलो, हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा पुदीना है वो, मैंने लगाया, थोड़ा सा हुआ मेरा क्योंकि अभी लगाया मैंने। एक्चुअली मुझे लाइफ दूसरे तरीके से जाना था, लेकिन वो इसी तरीके से हो गया। आपने सही किया था। ओके, हाँ थोड़ा कटिंग कर देने से ना वो प्रूनिंग हो जाती, तो फिर वो और ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। इसीलिए मैं थोड़े से कट करके आई थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं किए थे। मुझे लगा कि कहीं तुमको यूज़ करना होगा, और तो इसी तरह करोगे ना तो बहुत अच्छा हरा भरा है। गुड यार, गुड। तो उसको नीचे फेंक देना थोड़ा सा। अभी मैंने उसी से बनाई चटनी। बहुत अच्छा पुदीना है। और तुम्हारा वाणी जी क्या कर रहे हो अभी? व्हाट आर यू डूइंग वाणी जी? मैं तो ऐसी बैठी थी, मुझे था कि मैं लाइव नहीं जाऊंगी इस तरह, तो मुझे सेटिंग ऐसे हो गई। राज मेरे आज 10 सब खुद आए, देखा 10 कम हो गए, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करो, आप लगे रहो, ठीक हो जाएगा, एक टाइम आएगा। बाल ऐसे हो रहे, मैं तो ऐसे बैठी थी, अभी ऑफिस से आई थी, खाना खाया और ऐसे ही बैठ गई। तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। वॉचिंग योर लाइव शो, थैंक यू सो मच। ये मेरी समधन है भाई, वानी पुल्लरी। और कोई भी बैठा है तो प्लीज बोल लो, और लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, थैंक यू। हाय हाय राज, हेलो। और उषा तुम्हारा मकान हो गया है, फ्लैट तैयार हो गया? एक्चुअली मैं ऑफिस गई थी वाणी जी, और मैं वहां से ऐसे ही आ गई, बस जूड़ा बना के बैठ गई। मुझे लगा कि मैं मुझे नहीं दिखाई देगा, मैं कुछ और डालूंगी, पर वो हुआ नहीं सेटिंग, तो मुझे मैं खुद ही दिखाई दे रही हूँ, मुझे अभी नहीं पता चल रहा कैसे करूंगी। तो चलो जैसा भी है।
थैंक यू मधु, थैंक यू। हाय मीना जी, मीना कोठारी मैडम हमारी फ्रेंड। अब मधु को भी आ गया लाइव, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू, सेम यार। हाँ दैट्स वाई हम इतना टाइम, एक एक घंटा बात कर लेते हैं हम, समझन समझन गप। और पता नहीं किसी को एक दूसरे की बात समझ में आती है कि नहीं, बट करते हैं। आज का क्या विषय है? विषय क्वेश्चन आंसर। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम आपको जवाब देंगे, यही है। और थोड़ी गपशप, कुछ भी टॉपिक ले लीजिए, मेरा तो क्वेश्चन आंसर सेशन है। हाँ डिस्कशन कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि परसों जगत पूछ रहा था कि जो ये रूफ टॉप है ना, यहाँ पे घास कैसे लगाऊं और मैं जो सोता हुआ देखूं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कि मैं छत में उल्टा घास लगा दूं, तो ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं है, मुझसे नहीं होगा। हार्दिक सो गया, यहीं से गप्पे भी होती रहेंगी। हेलो हेलो, जो भी आ रहा है प्लीज़ टाइप कर दीजिएगा नाम, एटलीस्ट मुझे पता चल जाए कि आप हैं लाइव है। अदरवाइज आप अगर साइलेंटली देख रहे होंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, तो एटलीस्ट फॉलो कर देंगे तो मुझे पता रहेगा। ये सही आइडिया दिया, ऐसे ही बोलूंगी। मेरे को पता वो कैसे बोल रहा, और मेरा फर्स्ट लाइव था उसमें मैं उसको क्या आंसर दूं। बोल रहा मुझे ऐसी जगह घास बनानी है और जो कि मैं सो और मुझे वो हरी घास दिखाई दे, तो मैंने उसे छत के ऊपर का बता दिया। तो कह रहा नहीं नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन है मेरा। और दूसरा क्वेश्चन था 10 एकड़ का मेरा बगीचा है, उसमें कीड़ा लग गया है 10 एकड़ का, उसमें मैं ऑर्गेनिक क्या बताऊं उसको, पेस्ट कंट्रोल। 10 एकड़ वाले नहीं है, मैंने कहा हम तो छोटे गार्डन वाले हैं, खेती वाले नहीं है। क्या दिख रहा है? उषा चली गई, उषा मधु। हेलो हेलो एवरीवन, प्लीज ज्वाइन, और एटलीस्ट हेलो बोल दो। मुझे दिख रहा है कि उधर हैं लोग, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, साइलेंट हैं। हाँ देख रही हो, हाँ मुझे पता चल रहा है कुछ लोग हैं, मतलब जितने लोगों से बातें कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा लोग हैं, तो पता चलता है कि हाँ कुछ है जो चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, तो हेलो कर दे तो एटलीस्ट मुझे भी पता चल जाता है कि कौन मेरे सब्सक्राइबर हैं और कौन वो लाइव भी आते हैं, तो मैं भी उनका लाइव ज्वाइन करूँ। एक नए मेरे जुड़े हैं कोई, तो हेलो कर देंगे तो मुझे अच्छा रहेगा, मुझे पता रहेगा एटलीस्ट। अर्णव चुग, अर्णव तुमने कौन सी लैंग्वेज में लिखा ये? ये तो मेरी समधन वाली लैंग्वेज है क्या? वाणी जी बताइए आप इससे क्या लिखा अर्णव ने? मैं अमन को अर्णवी बोल रही थी तो अर्णव आ गए हैं। अर्णव तुम्हारे लाइव में तो देखो कितने सारे लोग हैं, तुम्हारे तो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, अब मेरे में तो देख लो तुम ही आए हो एक बाहर के।
अर्णव किस लैंग्वेज में लिखा बाबा आपने, क्या है ये लैंग्वेज, कुछ अलग ही। तो तुम्हारा लाइव सेशन कैसा चला कल, कौन कौन से गाने तुम सुना रहे थे? तमिल वर्णकम, ओके तमिल, मेरी समधन तो तमिल नहीं तेलुगु जानते हैं, उर्दू में भी नो, उर्दू नहीं है ये आप ही के पड़ोस का है, तमिल तमिल कह रहा है वर्णकम, हाँ तमिल तमिल वाणी जी, हाँ राइट, देख लो अर्णव सही लिखता है कि ऐसे ही, पता नहीं हमको तो कुछ नहीं पता, तो कुछ भी लिखेगा कि सही लिख रहा है। अब वाणी जी बताएंगे, देख अर्णव तुमको मेरी समधन बताएंगी तुम सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो मुझे तो तुम बेवकूफ बना सकते हो क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या है ये। हाँ ये उर्दू है, ये तो लग रहा है अरबी अरबी उर्दू कुछ है, उर्दू भी आती कहीं नहीं आती, इतना तुम बजाते भी हो, गाते भी हो, खेती भी करते हो, तुम तो बाबा बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हो, या तो सही बताओ कि तुम उससे तो नहीं गर्ल से कुछ सेटिंग, बच्चे सब करते हैं आप देखो वाणी जी आप आ जाया करो, अरना बड़े मजे लगाता है देखो, और इसने अपनी रूफ टॉप पर बहुत सारा बहुत अच्छा गार्डन बनाया है, और इसका जो पेड़ है रूफ टॉप पर 16 फीट ऊंचा है मुरिंगा का, तो मुझे अच्छा लगता है इसका। वाणी जी आपसे पूछ रहे हैं ठीक है ना जो लिखा है अभी वाणी जी देख के बताएंगी, पढ़ के बताएंगी ठीक लिखा है कि नहीं तुमने। और उस मुरिंगा को मैं सांभर में डाल के खाता हूँ, हाँ, और ये सांभर खाता है हफ्ते में 3 बार क्योंकि 3 दिन से तो सांभर इडली, सांभर डोसा, सांभर वड़ा, क्या क्या हो रहा है, सांभर चावल, ये तो मुझे पता चल गया तुम्हारा। अर्णव को साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो वाणी जी अब ये आएगा और ये हमें भी खिलाएगा और आप भी आना फिर। अच्छा तो भाई मेरी समधन जी तेलुगु जानते, हिंदी एंड इंग्लिश, ये तमिल वाला नहीं जानते, तो आप लिखो तेलुगु में तब वो पहचान लेंगे क्या लिख रहे हो आप। तेलुगु नहीं आती, सच में आती क्या तुमको तमिल? मुझे लगा तुम गूगल से कुछ कर रहे हो। हाँ, अच्छा ठीक है ओके। अर्णव तो उठ के जो है पता नहीं चाय वाय पीता रहता है और कभी गाने गाता रहता है, अर्णव तो बड़े मज़े से बैठा रहता है। अब मैं तो देखो यहाँ बंद गई बैठ के, मुझे लग रहा था कि मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी, कुछ ऐसे ही दिखा दूंगी ये सीनरी वीनरी, पर मुझे नहीं आया वो, तो मुझे तुमसे सीखना होगा तमिल, अभी जस्ट सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहे हो तमिल, कहाँ जाना है तुमको, चेन्नई? या उसमें मीडिया में जाना है, मीडिया वाले तो जानते हैं ज़्यादातर, मास मीडिया या जो भी है। हेलो हेलो, किसी नए ने ज्वाइन किया फिर चले गया, सोच रहा हूँ साउथ शिफ्ट हो जाऊँ साउथ की लड़की से शादी कर लेना तो तुमको खूब मिलेगा, वड़ा सांभर सब, फोन काम ही नहीं कर रहा है। ओ संजीव जी, अच्छा कोई नहीं, काम करेगा, आप मेरे लाइफ के लिए काम कर लेगा हाँ संजीव आप हैं ठीक है, और आपका मैसेज नहीं आ रहा था ना, आप कब लाइव आओगे तो मुझे थोड़ा सा बता देंगे आप लोग, तो मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि वैसे मैं कई बार नहीं देख पाती, जैसे सब लोग नहीं देख पाते हैं, बाई चांस हम आए तो देख लेते हैं।
मम्मी भी यही कहती है साउथ इंडियन से शादी करनी है तेरी। बिल्कुल सही कहते हैं, जब तुम्हें सांबर और ये सब खाना तो अच्छा है ना, लड़की भी खुश तुम भी खुश। हाँ वानी, वानी जी देख लेंगी तुम्हारे लिए लड़की। भाई अर्नव चुग है वानी जी, और ये बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहा है, जलंधर से है, खूब खेती बाड़ी करता है, खूब मोरिंगा भी खिलाएगा ड्रम स्टिक, और खूब और अच्छा कुक भी बहुत अच्छा है, गाना भी बहुत अच्छा गाता है और पियानो भी बड़ा अच्छा बजाता है, तो मल्टी टैलेंटेड है भाई लड़का, तो अब देखना शुरू कर देते हैं। मैं कब तक लाइव रहूंगी, जब तक मेरे को लोग बातें करेंगे मैं तो लाइव रहूंगी, जब सब चले जाएंगे बातें करने नहीं लगेंगे तो मैं ऑफलाइन हो जाऊंगी। अभी तो थोड़ी देर हुई है मुझे, अभी थोड़ा बैठूंगी, और नए ज्वाइन कर रहे हैं अभी, आई थिंक वो हेलो मुझे बोलेंगे, अभी ज्वाइन किया है नए नए तो मुझे पता चलेगा। कितने गुण गाओगे, जब तक तुम्हें लड़की नहीं मिल जाती तब तक गुण गाते जाना पड़ेगा। और वाणी जी बताओ, ये लगता पता है आदित्य जैसा लगता है, आपके दामाद जी जैसा लगता है अर्नव, बिल्कुल। कल ऋषभ बोल रहा था कि दद्दा ऑनलाइन है क्या, वो सोचा कि आदि बैठा हुआ है। टी समोसा भी खिला देंगे, हाँ, टी समोसा भी खिला। तुम्हारे करी पत्ते के क्या हाल है मिस्टर राज? ओ गरिमा, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, थैंक यू, मैं भी हूँ। थैंक यू गरिमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मधुरानी, संजीव, अर्नव, असलम वालेकुम। इसे तो उर्दू में लिखो ना फिर तुम, वो उर्दू समझ रहा है आजकल, उर्दू लिख रहा है अर्नव। और गरिमा कैसे हो? आज मैंने गरिमा को नहीं, अच्छा तुमने देख लिया मैं लाइव आऊंगी, मैंने सोचा तुम तो बिजी हो वैसे भी तो आते रहेंगे। जय श्री राम, हाँ ये अस्सलाम वालेकुम का जवाब गरिमा ने तुरंत दे दिया। अच्छा तो कैसा बन रहा है? हाँ, अर्नव चुग हिंदू है, कोई बात नहीं, सलाम प्रणाम तो हम किसी भी भाषा में कह सकते हैं, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, तेलुगु, तमिल, किसी में भी आप प्रणाम कर सकते हो, प्रणाम अच्छी बात है, जिसमें आप खुश रहें उसी में प्रणाम कीजिए, है ना। और हिंदू भी है गरिमा, ऊपर से खाना बहुत अच्छा बनाता है, बताती रहो ना सबको मैं अर्नव की खासियतें। हाँ संजीव, अर्नव के डोसे, और इसने तो खूब फेमस कर दिया है, और सबको लाइव में गाना भी सुनाता है खूब अच्छा। यस हाँ, गॉड में बिलीव करना चाहिए, ठीक है सही है। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। पैलाग, पैलाग जीरो जीरो जीते रहो, पैलाग मतलब हमारे पहाड़ में, पैलाग मतलब प्रणाम, मतलब पैर छू रहे हैं, पैर लग रहे हैं, तो पैलाग कहा है गरिमा ने, मैं बोल रही हूँ जीती रहो, जीव जाग, जीती रहो, चिरंजीव रहो। वाणी जी थम्स अप कर रहे हैं, वाणी जी। अर्नव भैया आप ये गुरुमुखी में लिखने लगे हो, जो नए हैं प्लीज़ हेलो बोल दो, आप अभी अभी ज्वाइन किया है मुझे लग रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती कौन। संगीता हाय हाय, हेलो, गुड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थम्स अप भी करते रहें प्लीज़, लाइक मीन्स पंजाब से हो ना, हाँ वो तो श्योर है कि आप गुरुमुखी जानते होंगे, क्योंकि आपकी मेरे ख्याल से एजुकेशन में भी एक सब्जेक्ट रहता होगा, पढ़ाई में आपकी वॉइस बहुत प्लेजेंट है। ये तो झूठ बोल दिया, झूठ बोले कवा काटे। वापस क्यों जाओ भाई संगीता जी, और बताओ आपका चैनल है कोई? मदर टंग इज पंजाबी, यस आई नो।
वाला हाँ है, चैनल है, तो कैसा चल रहा, सत श्री अकाल, यस, अच्छा सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, इसका मतलब क्या है? चलो आज मुझे इसका पूरा जरा अच्छे से डिटेल में लिख दो तो, क्या है सत श्री अकाल? सत माने 100 हो गया, श्री चलो प्रभु हो गए, अकाल का क्या मतलब है, तख्त का है, क्या मतलब है, चलो आज बताओ। फोन चलाना सीख लें हम, अभी टाइम लगेगा दीदी। ओके तब आप लाइव आओगे? हाँ, मैं भी सीख ही रही हूँ, मुझे आज अपना फेस नहीं दिखाना था लेकिन वो मुझे भी नहीं आया तो दिख गया, जब आ गए तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है। सत मीन्स ट्रू नॉट हंड्रेड, अच्छा सत श्री, मुझे लगा आपको लाख लाख प्रणाम कह रहे, क्या सत मीन्स ट्रू, अच्छा भगवान सत्य है क्या, सत मीन्स ट्रू ठीक है, श्री अकाल मीन्स, चलो आज एक लेसन तो सीखूं मैं अर्णव से। मैं प्लांट वीडियो, आज भी मैंने एक वीडियो बनाया है एक प्लांट पे, अब करूँगी क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा ऑफिस में है, थोड़ा सा अपना काम है पर्सनल, तो मुझे लगा चलो आज तो लाइव के लिए बोल दिया था, मैं शायद कल डालूँगी, नए प्लांट पे वीडियो डालूँगी। नहीं आती उर्दू। अकाल का मतलब अर्णव जरा बताओ, गूगल सर्च मत करो, तुम्हारी पंजाबी है लैंग्वेज मदर टंग तो तुमको आता ही होगा। मुझे सत का मीन सब बताया आपने, ट्रू है, और अकाल का नहीं बताया, सीख रहे हैं। ओके क्या जरूरत है सीखने की वैसे। चलिए ऐसे तो कोई भी भाषा सीखो अच्छी बात है, जितनी भाषाएं आ जाए, लेकिन जो उर्दू जानता है वो हिंदी भी जानता ही है, इसलिए अकाल मीन्स ये सीक्रेट है ना, ये क्यों बताऊँ मैं, कितने लोग हैं लाइव, बहुत सारे हैं। अच्छा सत श्री अकाल माने अमर, अकाल मीन्स अमर, तो सच्चाई अमर है, क्या है बताओ टोटल। सरिता जायका किचन, हेलो हेलो बच्चे, हेलो हेलो सरिता, आप कैसे हो? हाँ अर्णव भी हैं इधर, सरिता अर्णव को अभी, अर्णव मुझे सिखा रहा है सत श्री अकाल का मतलब क्या होता है, तो वो आज मुझे पढ़ा रहा है। सरिता जाए, अर्णव तो जलंधर से है, सरिता कहाँ से है? सरिता जी आप भी आ गए, हाँ इधर सरिता आ गई, मुझे पहली बार आ रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। और आप लोग जब भी लाइव जाओगे प्लीज़ मुझे अभी भी बता सकते हो, आप इतने बजे आज या कल लाइव जाएंगे तो मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ सरिता जायका किचन, मेरे मेरे साथ आई थिंक आप सब्सक्राइबर हैं, हम एक दूसरे के फ्रेंड हैं, नहीं है तो मैं चेक कर लूँगी, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। आप बताओ अगर आपको याद है प्लांट एंड सीड गार्डनिंग तो। राज खाती एंटरटेनमेंट बोल रहा है मुझे भी सब ज्वाइन कर लो, सब एक दूसरे को ज्वाइन कर लो, हाँ ये तो यहाँ आके इतना तो मिलना चाहिए हमारे फ्रेंड्स को, संजीव जी पंजाबी हिंदी में। और ना पूरा मतलब बताओ मुझे सत श्री अकाल का, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी, जब तुमने बोला है ना तो मुझे उसका पूरा मतलब बताओ, सत श्री अकाल मतलब क्या होता है? सरिता जी आप कहाँ से हैं?
जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ हेलो बोल दो, तो मुझे हाय या हेलो कुछ भी लिख दीजिए, नमस्ते कुछ भी, सो दैट मुझे पता चल जाए मैं अच्छा वाराणसी से हूँ। ओके बहुत अच्छी जगह से हो, बनारस के घाट अब तो खूब अच्छे हो गए हैं, साड़ियाँ तो है ही पूरा, मतलब कि आपको अंदर बैठे ट्रू गुरु को नमस्कार। ओह यस गुड, मुझे अब पता चला, सत श्री अकाल, सच्चे बादशाह कहते हैं ना जो, ठीक है मैं भी ये प्लांट वीडियो डाला है। ओके राज, सब लोग देखना भाई, राज खाती एंटरटेनमेंट, मैंने एंटरटेनमेंट ने एंटरटेनमेंट दोपहर 12 PM और 8 PM होती है दीदी। अच्छा मेरा लाइव दोपहर 12 बजे और 8 बजे, चलिए एक बार तो मैं ज्वाइन कर ही सकती हूँ एक टाइम 8 बजे वाला, क्योंकि 7 से 8:30 में वॉक पे जाती हूँ, तो मैं 8:30 पे या 8 पे अगर जल्दी आ गई तो ज्वाइन करूँगी। ठीक है गुड, तो रोज आते हैं आप सरिता? अरे तुम मत आना ज्यादा बाबा, तो पढ़ लो। ओ गॉड, अच्छा रोज आते हैं, मैं तो अभी आना शुरू हुई है, मतलब 2 बार आई हूँ मैं केवल, मुझे तो इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन चलो कुछ पूछो प्लांट्स के बारे में पूछो, अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, वैसे तो कुछ भी बात करेंगे हम, लेकिन हाँ अपना अपना सब्जेक्ट है, अब सरिता का तो जायका है, अर्नव और मेरा थोड़ा सेम है, और संजीव का भी हमारा एक सा है। सरिता जी फुल स्क्रीन करें, जब आप मीन्स लाइव जाते हैं तब के लिए बता रहे हो अर्नव? मुझे भी कुछ टिप दो, तुम तो पता नहीं क्या क्या करते हो, मुझे नहीं आता ये सब चीज़ें। पूरा चेहरा ही तो देख रहे, पूरा चेहरा नहीं आ रहा है। ओके सरिता जी भी लगाती है, ओके ओके ये है पूरा चेहरा। अभी ऑफिस से आई और मेरे को लगा कि मेरे को फेस ऑफ करना नहीं आता, मतलब फेस कवर मतलब वो बंद करके कुछ और फ्लावर व्लार लगा के बातें करते हैं ना लोग, वो नहीं आ रहा था समझ में, तो गलती से अब मुझे खुद ही आ गई। हाँ सुंदर बंदर, बस चल रहा है। धन्यवाद वैसे आपके प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज मैं सरिता जी को, और अर्णव तुम भी आओगे क्या शाम को? 6 बजे आते हो तुम तो। अच्छा ऐसे ही करिए, मीन्स मुझे सम आप ऐसे ही करिए, कर कैसे है कैसे? हाँ अर्णव जी तो भैया जब आते हैं तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, इनके तो पता नहीं कितने आए थे कल, कितने आए थे अर्णव, बहुत लग रहा, सब भाषा सीखना है, गुड हाँ अच्छी बात है। हाँ अर्णव रोज आते हैं, अर्णव आते हैं और अर्णव के साथ इतनी बड़ी फौज आती है ज्वाइन करने। फिर अर्णव उनको गाना सुनाता है। ओके फेस लाइव, अच्छा मैंने कल मैं आई थी थोड़ी देर, फेस लाइव नहीं किया था, तो मेरे बच्चों ने कहा नहीं अगर तरीके से जाना है तो लाइव जाना है, मतलब लाइव जाना है मतलब फेस को लाइव रखो, ये क्या है कि आप फेस लाइव नहीं रखोगे, तो उन्होंने मेरे से डिलीट करवा दिया कि नहीं वो मत डालो, ऐसे नहीं होगा कि कभी मैसेज आ रहे हैं कभी कुछ आ रहा है ना, तो नहीं लग रहा था उनको ठीक, तो मैंने कहा ठीक है। अर्नब कुछ फ्रेंड अपने इधर भेज दो बच्चे।
मैं गप्पे मार लूं थोड़ा उनसे। अरे हाँ, 5-7 कहाँ थे, तुम इतना एंटरटेन करते हो, इतना गाना सुनाते हो, इतनी बातें करते हो अच्छी। नहीं, नज़र नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ पागल, यहाँ से 5-7 और आएंगे तुम्हारे पास तुम्हारी फॉल्स देखने। देखो मेरे पास तो एक अर्नवी आता है बेचारा, गुड बॉय, और एक संजीव आता है, और एक नमन आता है, राज, और राज सरिता जी आई, बहुत अच्छा लगा। मैं 8 बजे इनके ज्वाइन करूँगी। हाँ तो रोज आया करिए, नहीं तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। हाँ ये बात तो है। अच्छा 7 से ज़्यादा नहीं आते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो साथ ही है, मेरे पे भी साथ ही है, साथ ही है। देखो मुझे दिखाई दे रहा है, 8 लाइक है, मतलब 8 लोग आए। अच्छा इतने ही आते हैं, कोई नहीं। मैं तो जो भी लाइव दिखता है ना, अगर मैंने ऑन किया है यूट्यूब, बाय चांस मुझे दिखता है कि कोई लाइव है, तो मैं तो चली जाती हूँ एक बार हेलो हाय कर ले 5-7 मिनट के लिए एटलीस्ट, जिनको मैं नहीं भी जानती तो भी मैं बात कर लेती हूँ। क्योंकि चलो आपकी लाइव में चुप करके बैठ जाते, नहीं कोई चुप करके नहीं बैठा हुआ है, 7 ही लोग हैं, और हाँ कुछ चुप करके बैठे हैं, 3-4 बातें कर रहे हैं बीच बीच में, बीच बीच में आ जाते हैं, उनको भी असल में काम होता है ना सबको। ठीक है अगर 5-7 मिनट के लिए भी कोई आ गया तो अच्छी बात है। अब मैं ये नहीं बोल सकती ना कि आप आधा घंटे के लिए बैठ जाओ या 1 घंटे हमारे साथ बैठे रहो। तो मैं आज ये देखूंगी कि देखूँ कितने लोग आते हैं, इतनी देर में कोई ना कोई तो यूट्यूब ऑन कर रहा होगा ना, जान मतलब, और देख रहा होगा कि हाँ कोई लाइव है, चल रही है लाइव स्ट्रीम। जैसे सरिता आ गई, मैं सरिता रुड़की उत्तराखंड से हूँ। अच्छा अर्नव ऐसा, या सरिता आप दोनों को थोड़ा अनुभव है कि ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पीछे का सीन दिखाऊं आपको और आगे ये स्क्रीन चलती रहे, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं पता अर्नव, उनको पता है, क्या पता है बताओ, मैं कहाँ से हूँ ये पता नहीं, उन्होंने पूछा मुझसे। अच्छा अर्नव बताओ, अर्नव और सरिता दो लोग हो, दो लाइव आते हो यहाँ पर, अभी मेरे को दिख रहा है जो मुझसे बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ मैं कैसे करूँ कि पीछे मैं आपको प्लांट्स दिखाऊँ और पीछे के कैमरे से, और आगे आप मैं मतलब मैसेज पढ़ पाऊँ, तो ऐसे कैसे हो पाएगा? कुछ क्लू, कुछ आपको अगर पता है ये बात, अदरवाइज मैं आपको अगर प्लांट दिखाऊंगी तो ऐसे दिखाऊंगी ना, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी मैसेजेस। हाँ अर्नव तभी तो पूछ रही हूँ, आइडिया दो। ओके सरिता थैंक यू, हाँ लाइक किया तो गुड। आइडिया दो अर्नव, मैं क्या करूँ कि मैं अपने को ना दिखाऊँ ना, मैं प्लांट्स दिखाऊँ। आप प्लांट्स नहीं दिखा सकते ऐसे, हाँ राइट, वही तो मैं कुछ ऐसे, अर्नव गुरु जी हम सब कुछ ना हाँ अर्नव गुरु जी है, वो सबसे छोटा है और गुरु जी है, आजकल गुरु जी कोई भी हो सकता है ना। और मुझे वो 12 साल का बच्चा जो नमन था, वो मुझे बता रहा था आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसे करो, तो गुरु तो कोई भी हो सकता है अपने अपने फील्ड में। अच्छा मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं पीछे से कुछ प्लांट्स दिखा दूं और आगे से मैं ऐसे, इसमें टर्न करने का नहीं है क्या? नहीं है तो टर्न करने का तो लग रहा है मुझे है, यहाँ पे कैमरा देखूं, ओ दिखा सकती हूँ भाई। गुरुजी लो आप, कैमरा बंद करना है तो वो पैर नीचे रख के उसके कैमरा पर कुछ रख दो। नहीं, ऐसा नहीं, अब हो गया, मुझे समझ में आ गया, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं अपने प्लांट दिखाते हुए अगली बार मैं ऐसे ही आऊँगी, मैं कुछ करती हूँ, सोचूंगी, ट्राई करूँगी, और मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही आऊँगी कि मैं आपको पार्क घुमाऊँगी। नेक्स्ट टाइम क्यों, कल ही आऊँगी मैं 4 बजे। हाँ नीचे रख के मैंने भी ऐसे किया था कि मैं यहाँ पे फिंगर रख दी थी कुछ इस तरह से, वो है, लेकिन चलो मैं कल देखती हूँ, कल मैं पार्क में आप लोगों को पार्क दिखाऊंगी, और वहाँ से मैं आप लाइव चैट भी कर सकती हूँ।
तो ट्राई करूंगी। कुछ कुछ नया दिखना चाहिए ना, अपनी शक्ल ही क्या देखते रहेंगे मतलब। हाँ मेरे यहाँ ठंडी है, देखो मैंने स्वेटर पहना हुआ है। तो आपके यहाँ बनारस में भी ठंडी हो गई होगी सुबह शाम की, आपके वन के हैं ना, इसलिए आप कर सकते हैं। परमार, ओ परमार आ गए हैं, गुड गुड। शिल्पी, शिल्पी हेलो शिल्पी, आप मुझे ज्वाइन कर ही लेते हो कभी 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 कभी, मैं 3 बार आई, 3 में से 2 बार ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। शिल्पी कैसा चल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं आपके, कितने हो गए? अच्छा कम ठंडी है, मुझे तो ठंड भी लगती है क्योंकि मेरा घर ऐसा है जिसमें ना धूप नहीं आती है, तो मुझे ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट व्हाट 1000 हो गए शिल्पी? मेरे नहीं है, मैं जुगाड़ लगा के क्रोम साइट से। अच्छा तुम्हारे यार ना था 1K नहीं है, होम टाउन थी इसलिए ज्वाइन नहीं हुआ। ओके ओके ओके, होम टाउन थे तो कितना है अभी शिल्पी तुम्हारे? मेरा क्या सरिता, मेरा WT क्या होता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता। वॉच टाइम, ओके वॉच टाइम मेरा होगा होगा 2000, 1900 ऐसे कुछ, फिर वो पीछे के चले जाते हैं ना 1 साल पहले के, फिर वो कम होता चला जाता है, तो इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा 300 हो गया शिल्पी, चलो हो जाएगा। और वैसे ही मेरे ख्याल से अर्नव के तो 460 कुछ है शायद, शायद तुम्हारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है अर्नव। संजीव प्रणाम कह रहे हैं सरिता जी को। तो शिल्पी चिंता मत करो, देखो अर्णव के भी कम है, अर्णव जी लाइव जैसे जुगाड़ करके आते हैं ना, तो तुम भी जुगाड़ करके लाइव आओ, अर्णव से पूछो ही कैसे आते हैं हाँ 4 देखा, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ अर्णव, 4 4 4 गुड, अच्छा नंबर है। सरिता, सरिता जायका किचन। और देखो अर्णव आप और सक्सेना आप नोट कर लो, इनके इनको आपस में आप लोग फ्रेंड बन जाइए, यहाँ के यही फायदा तो होता है आप लोगों को। सरिता जायका किचन और परमार यम रेसिपीज, अर्णव चुग, संजीव सक्सेना, इतने लोग तो हैं, और राज खाती एंटरटेनमेंट, 5 लोग हैं, तो 5 भी आप लोग आज बन लो एक दूसरे के। और लेकिन जैसे राज ने बताया कि एकदम आप सब्सक्राइब मत करो दूसरों को, तो आप वेट कर लो एक दिन का, तो इस तरह से कर लो। लेकिन हाँ ऑनेस्टली करना चाहिए क्योंकि देखो, अच्छा आप पहले से हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा शिल्पी नहीं है शायद, शिल्पी बता परमार यम रेसिपी आप ज्वाइन कर लेना, या आप लोग नोट कर लो एक दूसरे का, अगर तो आप परमार को ज्वाइन कर लो तो 5 और मिल जाएंगे शिल्पी को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सरिता जायका को आप सब लोग कर दीजिए, फिर वो एक दूसरे को कर लो, फिर जिसको आप करते हैं उसको वो एक दिन के बाद करे, कुछ इस तरह से होने से फिर अनसब नहीं होता, ऐसा कुछ कह रहे थे लोग। अर्नव गोल्ड है, यस प्लीज श्योर मुझे लिंक हो जाए। हाँ पर ये परमार यम रेसिपीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एक दूसरे को कर लीजिएगा, और भरोसे से करो और ऑनेस्टली करो तो अच्छा लगता है ना, क्या है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी चीटिंग करनी है। गोल्ड मतलब अच्छा गोल्ड मतलब क्या है, हाँ मुझे भी देख सुनना है गोल्ड का क्या मतलब है। मेरे पेड़ पौधे देखने हैं, ठीक है अभी देखोगे क्या, चलो अभी दिखाती हूँ।
मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा बाहर। हाँ अभी थोड़ा उजाला है तो मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। ये देखो दिख रहे हैं, ये तो पपीते का पेड़ भी लगा हुआ है। मेरे बेटे को डेंगू हो गया था, मैंने ये पत्ते उसको खिला दिए हैं, इसका रस। ये करेले की बेल जा रही है, देखा? और दिखाऊं तो इसमें छोटे छोटे करेले भी लग रहे हैं, दिखे आपको? ये छोटे छोटे करेले देखो, वो देखो। और यहाँ भी मेरे ऐसे दिखाती हूँ, देखो यहाँ तक भी रखे हुए हैं, ये मेरे प्लांट है सारे। ये है, और ये तोरी भी लगी हुई है, और दो तोरी मैंने आज सुबह देखी थी यार, किसी ने तोड़ ली। किसी ने मेरी तोड़ी तोरी तोड़ ली, मुझे अब पता चल रहा है। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया? चलो खैर कोई बात नहीं। ये है देखो, यहाँ भी है, मैं आपको दिखाऊँ अगर, पता नहीं दिख पा रहा है नहीं। ये देखो ये तोरी है, और क्या दिखाऊँ, ये गंदराज है। गंदराज है मेरा छोटा सा, मैं देखती रहती हूँ ना। ये देखो कली आ रही है, ये है, और दिखाऊँ तो ये भी है। ये मैंने बनाया था ना छोटा सा जंगल, दिख गई तोरी? गुड। हाँ करेला दिख गया। और ये देखो यहाँ भी है, ये है, ये बोनसाई हैं, देखो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। ये गोचिया है, ये सिंगोनियम है, ये मेरी वॉल है। ये शमी का है, भगवान जी का होता है ना शमी, ये तुलसा मैया है हमारी। ये देखिए, और मैं यहाँ तक से बाहर का भी मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए मेरे प्लांट, कोचिया का मैंने इसका भी वीडियो डाला है, और सिंगोनियम का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, बहुत वीडियो डाले हैं मेरे। ये देखिए स्टैंड है, ये मनी प्लांट है, और ये शिल्पी आप बोलते हो ना नहीं होता है, देखो कैसा हो रहा है मेरा, ये कितना अच्छा हो रहा है ना। ये पानी में है देखो, टोटल पानी है ये, अगर आप मैं दिखा रही हूँ तो पता नहीं। ये देखो पानी है ना, तो ये पानी में देखो अच्छा। देखिए कोलकाता ऑर्चिड, ये सॉन्ग ऑफ, तो मैं और ज़्यादा मैं बाद में दिखाऊंगी ना सारी, अभी दिखा दूंगी। तो जो नए ज्वाइन किए हैं मैं उनको बाद में दिखाऊंगी अगर वो डिमांड करेंगे तो। दिखा दिया मैंने, अब मैं ना कल दिखाऊंगी तुमको सारी, अभी दिखा दूंगी क्या, फिर कैसे तुम आओगे? तो अगले दिन क्या दिखाऊंगी मैं तुम्हें, अब मैं कल दिखाऊंगी तुमको, ठीक है? बहुत काली, काले गोरा कुछ नहीं होता है, अच्छा होना चाहिए दिल से, अच्छा होना चाहिए दिल से। ब्यूटी वाले वानी, आर यू स्टिल ऑनलाइन? यू मे टेक रेस्ट विद, हाँ तुम था वानी, तुमको तो अभी अभी आने लगा, मेड आने लगी आपकी। थैंक यू वानी, थैंक यू। चाय पी रहे हो सरिता? वाह क्या बात है, अभी चाय कैसे पीऊँ, मुझे तो बनानी पड़ेगी ना, तो मुझे तो अभी तुम लोगों से बात करना है, उसके बाद चाय पीऊँगी। जो नए ज्वाइन किए प्लीज़ हेलो बोल दो, विनय आए हैं, विनय कपिल।
आज तो गरिमा मैडम भी आ गई। शिल्पी तुम्हारा प्लांट चलते नहीं है यार। देखो मेरा अभी मैंने तुमको दिखा दिया ना, तोरी बिल्कुल सामने दिखाई है। अभी लौकी भी लगी है, छोटी छोटी गोल गोल लौकी लगी है। मैं उसको दिखाऊंगी जब वो थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगी। और मेरे यहाँ नहीं लगी, जड़ तो मैंने लगाई है पड़ोसी के। ओहो गरिमा जी नमस्ते। हाँ गरिमा भी आई है। अब गरिमा चली तो नहीं गई पता नहीं, अभी साइलेंट है। गरिमा नमस्ते बोलो भाई। हाँ शिल्पी हाँ, तुम तो गुड़गांव रहती हो शिल्पी, तो वहाँ पे जगह है लगाने के लिए? कैसे? विनय गरिमा को मैसेज कर, प्रणाम कर दिया कहना मैडम ने तू कहाँ है, पैर छूने नहीं आई अभी। तू स्टार्टिंग से? अच्छा विनय मुझे नहीं पता तुम्हारा, तुम स्टार्टिंग से हो, मुझे लगा कि तुम बाहर ही अभी कहीं घूम रहे हो। अच्छा गरिमा तो आ गई थी, आई उसके बाद बेचारी आजकल तो सारा मकान वकान के चक्कर में लगी है। फ्लैट में बालकनी में पॉट में कोशिश करती हूँ। हाँ तो तोरी को तो बहुत ज़्यादा 12 इंच का तो चाहिए एटलीस्ट, तोरी को 12-14 इंच का पॉट चाहिए। मधु हाय गरिमा कैसी हो? मधु तो अभी तक ऑनलाइन थी क्या या काम कर रही थी साइलेंटली? गरिमा पता नहीं कहाँ चली गई। विनय गरिमा को मैसेज करो जरा, उसको बहुत याद कर रहे हैं सब। अर्नव के इतने फैन है कि अर्नव ये नहीं कि एक दो को मैसेज कर दूं कि आ जाओ जरा ज्वाइन कर लो हमें। तुलसी जिंजर टी और शाम को भी अर्नव पीता है अभी भी। बाबा क्या मजे है अर्नव के, तो खुद ही बनाता है ये तो। मीना मैडम के बच्चे जैसा है, एक तरह शक्ल तो मेरे बच्चे जैसी है पर काम मीना मैडम के बच्चे जैसा है। पता है ये डोसा बहुत अच्छा बनाता है, सांबर बहुत अच्छा बनाता है। BSc फर्स्ट ईयर में है, वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, तो अब इसी घर धावा बोलना है सबने। वॉइस वॉइस ऑफ शुभांगी हाय हाय हेलो। मीना मैडम का बच्चा क्या करता है? मीना मैडम का बच्चा क्या बताऊँ तुमको, अभी मीना मैडम का बच्चा एक तो PhD कर रहा है। बताओ मीना मैडम आपका बच्चा क्या कर रहा है? हाँ ये अर्नव तो बिल्कुल जैसी है, और लेकिन अकल तो भैया खाना बनाने में तो परफेक्ट है, ये आपके बच्चे जैसा समझ लो, अक्षत जैसा। अक्षत PhD कर रहा है US में, और दूसरा बेटा अब शादी होने वाली है, जॉब में है, बढ़िया सब बढ़िया है। अर्नव अब सोच ले तेरे को क्या क्या करना है, PhD वाले दिख रहे हैं तेरे को। अर्नव को तो अभी शादी करनी है साउथ इंडियन लड़की से, बताओ। वॉइस ऑफ शुभांगी हाय, आप कहाँ से हैं शुभांगी जी? अर्नव बहुत अच्छा बजाता भी है भाई, गाता भी है। कल तो पियानो है वो, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, कुछ बोल बजा रहा था और गाना भी गा रहा था, और गाना भी बड़ा स्टाइलिश, मेरे महबूब कुछ ऐसे पता नहीं क्या कयामत हो गई है क्या है पता नहीं। मेरे महबूब कहाँ कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों से, गलियों में मोहब्बत होगी। अच्छा ये वाला गाना गाया था, बजाया था, किसमें बजाते हो? अर्नव अर्नव जब लाइव आएगा ना तब बता दूंगी मैं आपको, तब सुनना आप इसको। अर्नव बजाते क्या हो बेटा ये भी बता दो, वो छुटका सा था मुझे नहीं पता, सिंथेसाइजर है या क्या है वो, पियानो है क्या है, मतलब आजकल तो कुछ कुछ आने लगे ना छोटे भी।
राज खाती ओके, मोबाइल ऐप है फोन, अच्छा ठीक है। प्रणाम संजीव सक्सेना, प्रणाम प्रणाम। हाँ मधु, मधु शर्मा बहुत अच्छा गाना है। मधु शर्मा का भी है भाई चैनल, मधु शर्मा अपना चैनल का नाम बताओ, तभी एक दूसरे को सब्सक्राइब करो, तभी तो एक दूसरे को देखोगे, तब तो कुछ अच्छा होगा ना, तब एक दूसरे को जानेंगे। वॉक बंद आप है उस पर पियानो, वॉक बैंड ऐप है, अच्छा वॉक बैंड ऐप है उस पर पियानो है, ओके। तो क्या कोई भी बजा सकता है या जिसको आता है वही बताए मतलब बजाएगा, या मैं भी ऐसे कुछ भी मारूं तो वो बोलेगा क्या, या मुझे परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे ये लगाएंगे तो ये सुर निकलेगा, ये आवाज़ सी मतलब धुन निकलेगी। मधु के बीच बीच में कमेंट आ रहे हैं बहुत अच्छा गाना। मैंने खुद सिखाया, अरे तुम तो परफेक्ट हो बच्चे, गुड अच्छी बात है। अर्णव तो क्या क्या, तमिल जानता है, गुरुमुखी जानता है, इंग्लिश हिंदी तो है ही, उसका तो बजाना भी जानता है क्या, ये वॉक बैंड पे है पियानो, उसके बाद गाना भी जानता है, और क्या गिटार विटार भी जानते हो, नोट्स आते हैं पियानो के, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मेरे पास, हाँ मुझे पता है, ये तो खैर आते हैं पर, आते हैं पर हमें आता नहीं है। गुड अच्छी बात है, तो मतलब टाइम का यूज़ करते रहते हो, अपना कुछ अच्छा करते हो, अच्छी बात है। आप लोगों को काम भी करना होगा तो काम करते रहना बाबा, मेरी वजह से नहीं ऐसे करना, मतलब अब बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और मैं तो अभी, और मैं नए लोगों को देख रही हूँ, और कौन आते हैं, शिवांगी आई एक नई, और देखो और मेरे पास एक और आए अभी नए, वो वाले ना जायका वाले, सरिता आई, शिल्पी तो आती है, संजीव और शिल्पी, अर्णव तो आते हैं, कल दो नए आए थे वो आज नहीं आए, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कौन कौन आता है। अर्णव मल्टी टैलेंटेड है, हाँ आनंद मिश्रा हाय, आनंद मिश्रा आपका कोई चैनल है क्या, मैं पहचान भी नहीं रही हूँ, चैनल है तो बता दीजिएगा प्लीज, और नहीं है तो फिर मुझे बताओ कौन है, क्या मैं जानती हूँ आपको, क्योंकि मैं मिश्रा को तो जानती हूँ, एक मेरी फ्रेंड है तो उनसे रिलेटिव रिलेटेड तो नहीं हूँ। ओके नहीं है आपका चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप सोचिए कि बाहर से कोई बिना चैनल वाला ज्वाइन करे तो अच्छा लगता है कि हाँ आप लाइक कर रहे हैं जो मैं काम कर रही हूँ, या जो मैं वीडियो डालती हूँ उसको आप देखते हैं, ये अच्छा लगेगा। ओके कीज़ कौन सी हैं, पर इंटरेस्ट होना चाहिए ना, और ना मुझे ना ऐसे अच्छा लगता है मतलब प्ले करना इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है, नहीं होगा वो, इंटरेस्ट पे ही होता है ना, क्या आपको इंटरेस्ट है, मुझे जैसे गार्डनिंग है, चलो डांसिंग है, सिंगिंग भी मुझे अच्छी लगती है, आती ना हो भले ही पर। तो एक्चुअली डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। आनंद मिश्रा जी आप कहाँ से हैं, ओके नोट्स देख के बजाते रहते हैं, ओके हाँ फिर आदत पड़ जाती है, मतलब आप यूज्ड टू हो जाएंगे आपकी फिंगर्स वहाँ, ठीक है प्रैक्टिस। हाँ
अभी क्या बोल रहे हो अर्णव तुम? क्या मतलब क्या नई चीज, नया फूल वूल कुछ लगाया है? सब्जियां तो आप लगाते हो, बताया भी आपने। ओके, वीडियो कॉल होती नहीं, मैं तुम्हारी चैट में देखूंगी, वो जो लाइव चैट आओगे ना आप, तब मैं आपका बैंगन देखूंगी। व्हाइट बैंगन, एक बार पहले बैंगन भी मैंने देखे थे, पहले भी लगाए होंगे। इससे बैंगन तो कई साल तक चलता है, बैंगन का पौधा तो कई साल तक चलता है। तो मधु है क्या? मधु हैं तो प्लीज़ हेलो बोलो, हाय हेलो कुछ कर दो तो मुझे पता चलेगा आप हैं। अच्छा, लेकिन ना कोई कोई जो व्हाइट वाले होते हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन जैसे एकदम मलाई मक्खन जैसे बनते हैं, और कुछ हार्ड हो जाते हैं तो वो हार्ड वाले मुझे लगता है कि अच्छे नहीं लगते। अदरवाइज मुझे तो अच्छे लगते हैं अगर वो बहुत छोटे और सॉफ्ट तोड़ लिए जाएं। थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक यू। तो जो बैंगन आप जल्दी तोड़ देंगे ना सरिता जी, वो टेस्टी होंगे। जल्दी तोड़ लिया कीजिए, अगर आप ये इंतज़ार करेंगे बड़ा होगा तब तोड़ेंगे तो टेस्ट नहीं आता है। सरिता जी जानती हैं आनंद जी को, ले लो आके मेरे घर में शायद ही कोई खाए, और मुझे तो अच्छे लगते हैं, बट अब वही अच्छे लगते हैं जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट तोड़ो, बिल्कुल सॉफ्ट हो, और उसमें कुछ भी मत डालो, सिर्फ चार कट करके उसको, और उसमें नमक हल्दी लगा के बस सरसों के तेल में, बस सौटे, कुछ भी नहीं डालना है, मसाला, हरा धनिया हरी मिर्ची डाल दो बस, मतलब मसाला नहीं डालना है। बड़े टेस्टी लगते हैं दाल अरहर की और चावल। हाँ, सॉफ्ट एंड स्मॉल लो, और उस बार चार कट लगा के, और हरी मिर्ची और बस धनिया हरा धनिया डालना, और उसमें कट लगा के हल्दी नमक लगा के सॉटे कर लो ऐसे तेल में अच्छे से, कुछ भी नहीं डालो। तो मुझे बैंगन वही पसंद है, चाहे वो कोई भी बैंगन हो, और भरता भी अच्छा लगता है बड़े बैंगन से। बस अभी मेरे मुंह में चढ़ गया है अर्णव का गाना। पालक, मूली, टमाटर, गोभी, सरसों, मटर लगाए हैं। ओके, बड़े सब्जी लगाई है भैया, और सब रूफटॉप पे लगाई है या मतलब नीचे ग्राउंड में? सिंग द सॉन्ग, मुझे गाना नहीं, गाना नहीं। आप कहाँ से, आपने बताया नहीं मुझे मिश्रा जी। मैं गाना तो मैं भजन गा सकती हूँ, मेरा वीडियो है भजन का, देखो जब मैं बचपन में सीखा था कृष्ण जन्माष्टमी में गाया था, बस ऐसे ही गा सकती हूँ। रूफ टॉप, जगह नहीं है तुम? अच्छा, रूफ टॉप पे लगाते, ग्राउंड में जगह नहीं है? ओके, मुझे लगा कि आप खेती करते हैं, बहुत सारे आपके खेत होंगे। लुधियाना, आनंद मिश्रा जी लुधियाना से हैं। लो भाई, अर्णव तुम्हारे पड़ोसी पड़ोसी हैं आनंद जी। मैंने तो अपना 4 बजे का टाइम फिक्स किया है भैया, जिसको फुर्सत हो तो 4 बजे से लाइव, जब तक मैं अभी ऑफिस नहीं जाती हूँ लॉकडाउन।
हाँ आपके पड़ोसी जालंधर से हैं। सरिता जी और आनंद जी शायद आप फ्रेंड में हैं, तो आनंद जी बात कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, बीच बीच में आके थोड़ा सा एक छींटा मार रहे हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, शायद कम बोलते होंगे ना हवाई तरह की। अर्णव सुनाते हैं गाना देखो माँ तो टीचर होती है, चाहे वो सच में टीचिंग मतलब जॉब में हो या ना हो, वैसे तो माँ सब माँ टीचर होती हैं, और फिर वो टीचर हो तो फिर वो डबल टीचर होती है, तो तुमको सुनना ही पड़ेगा ओके ओके आई एम नॉट रिलेटिव, ओके 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 और ना थोड़े दिन में कहेगा वो कौन जाए मैम के लाइव चैट में, वो तो मुझे लेक्चर ही देती रहती है मैं सैर कर रहा, अच्छा वॉक कर रहे हैं आप, ओके छत पर, सरिता नो प्रॉब्लम, ओके मिश्रा जी आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं पढ़ाई कर रहे हैं? आनंद मुझे नहीं मालूम आपकी एज कितनी है, मतलब मैं आनंद जी बोलूं, अर्णव तो छोटा बच्चा है मुझे पता है, तो मुझे मैं उनका नाम ही लेती हूँ। अर्णव तो हेल्थ बना रहे हैं और ये सही है, टाइम का यूटिलाइजेशन है। हाँ गुड, और क्या बात करते हैं अर्णव जब लाइव आते हैं तो क्या बात करते हैं? मैं टीचर जैसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या बात करूँ, मैं कैसे बात करूँ? हाँ सरिता मुझे लग रहा था तुम, तुम्हारी फोटो देख के लग रहा था छोटी हो, हाँ इसलिए मैं सरिता ही बोल रही हूँ ना, अर्णव को भी अर्णव बोलती हूँ, और संजीव मुझे नहीं पता, संजीव भी छोटे ही होंगे, संजीव कितनी एज है आपकी? तो छोटे ही हो, इतना भी छोटा नहीं तो छोटे ही हो तुम, तुम्हारे जितना तो मेरा तुमसे छोटा तो तुमसे बड़ा तो मेरा छोटा बेटा है, तो सोच लो तुम सबसे छोटे बेटे हो समझ लो तो बहुत छोटे हो मेरे लिए, तो बहुत ही छोटे हो तुम, मेरे छोटे बेटे से भी छोटे हो, पर मैं बातें तो सबसे कर लेती हूँ, अच्छा लगता है बात करना मुझे। आनंद में माँ गर्ल हूँ, मेरा पापा का नाम यहाँ लिख, ओके तो तुम्हारा नाम क्या बच्चे? सरिता जी बहुत छोटी है, 15 इयर्स, अच्छा 15 साल की छोटी सी तो, अच्छा ओके मुझे 15 साल नहीं पता था, मुझे पता था छोटी है। और तो आनंद मिश्रा जिनका चैनल है उनका क्या नाम है प्लीज बता दो? संध्या, ओके संध्या, संध्या आप कहाँ से हो? अब तो बता दिया आपने मुझे, आपने लुधियाना बताया था राइट, तो आप अच्छा लंबे तो बहुत है वो तुम लोग जानो, अर्णव तो सही है, हाइट सही है अर्णव की ओके ओ संध्या यू आर 13 इयर्स ओल्ड, तो तुम बहुत छोटी हो बेटा, तो आप लाइव पे कैसे आए बच्चे? तुम्हारा कोई चैनल नहीं, ऐसे ही आ गए आप लाइव पर? आप तो 7th क्लास में पढ़ती होंगी, 7th 8th मुश्किल से, हाँ 7th 8th में पढ़ती होंगी। आई एम 27 राज, तो सब लोग अपनी एज ही बता दो। ओके सरिता आप कितने साल की हो सच में? ओके बदमाशी कर रहा है अर्णव, एट्थ क्लास में हो, हाँ
ओके बेटा, तो फिर तो पढ़ाई करो लाइव चैट में, बस थोड़ी देर आओ बस बेटा, पढ़ाई करो, है ना। आए, अच्छा लगा, आप थोड़ा सा अपना मन मूड ठीक हो जाता है, लेकिन अभी आप तो पढ़ाई करो, छोटे हो ना बेटा अभी, पापा ने पढ़ने के लिए फोन दिया होगा ना। अर्णव, तुमको तो बेवकूफी बनाया होगा ना सरिता जी ने क्योंकि ये अर्णव मजाक कर रहा है, पता नहीं और क्या है। तो संध्या, पढ़ाई कैसे चल रही बेटा? आजकल तो ऑनलाइन चल रही है। अब आपका मूड फ्रेश हो गया होगा ना यहाँ हमारी गप्पे सुन के, तो आप पढ़ लो, ठीक है? अच्छा सरिता, अच्छा एज नहीं बताएगी सरिता। अच्छा आप मैरिड हो सरिता? ऑनलाइन सवा कुछ नहीं, मैंने कब बोला ये बोल रहा ना कि नहीं, मैं पूछ रही हूँ सरिता, आप मैरिड हो क्या? एक दो बार हम लोग बात कर लेंगे तो शायद एक दूसरे को जाना है। अर्णव को तो मैं जानने लगी जैसे ज़्यादा बात करते हैं हम लोग। संजीव जी हैं शायद, संजीव हैं आप अभी? अर्णव तुम लाइव आओगे क्या? ओके ओके, बाद में बताओ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात। अर्णव अपनी जन्मपत्री नहीं भेजने वाला है। अर्णव भेज रहे हो क्या? उसका कोई भरोसा नहीं है, उसे तो वैसे भी साउथ इंडिया में जाना है। जो भी नए हैं प्लीज हेलो बोल दो आप प्लीज, तो मुझे पता चलेगा आप कौन। नहीं, शादी नहीं कराऊंगी जब तक तुम पढ़ नहीं लोगे पूरा, शादी नहीं कराऊंगी। शादी कर लेंगे तो तुम मेरे से थोड़ी बात करोगे फिर। अरे मेरे पास टाइम नहीं है आंटी जी, टाइम नहीं है मैम मेरे पास, अभी ज़रा मैं मार्केट जा रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं खाना बना रहा हूँ। बता तो नहीं, अभी कहाँ होगी सरिता? नहीं अभी नहीं होगी, अभी तो ये पढ़ाई कर रहा है, अभी तो ये बहुत छोटा है, वो तो हमें ही जाना पड़ेगा, शादी रुकवाने करेगा अभी तो संध्या है क्या? संध्या मिश्रा चले गए, संध्या सरिता क्या करते हो आप, ये तो बता सकते हो? क्या करते हो आप, पढ़ाई जॉब क्या? हाँ इनकी शादी में जाके खूब डांस करना है ना ढोल पे भंगड़ा, लेकिन अभी बाद में, बहुत साल हैं इसको शादी को, अभी तो पहले तुम्हारी जो भी है। अरे तुम क्या करते हो सरिता? मैं बनाती हूँ पर मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, बनाती हूँ मैं इडली भी बना ले, बना लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ ना वो वाला, इडली बना लेती हूँ, सांभर इडली सब बना लेती हूँ। मेरी तो बहू साउथ इंडियन है ना, मतलब हैदराबाद से है, साउथ इंडिया से समझ लो। हाँ यूट्यूब के चक्कर लगा रहे हैं वाईटी यूट्यूब होगा ना? हाँ तो कितना, कैसा चल रहा है आपका यूट्यूब चैनल? अच्छा चल रहा है?
ओके, कोई बात नहीं, ये तो ये भी जॉब है, और ये चल जाए तो जॉब से भी अच्छा है, पर चल जाए ना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए। हम लोग सेलिब्रिटी तो है नहीं जो हम लोगों को ज्वाइन करेगा। अभी अगर हम सेलिब्रिटी होते तो अभी यहाँ पे लाख लाख लोग आते है ना, जो हमारे पास गिने चुने लोग आते हैं बेचारे अपने। हाँ, किसी जन्म का रिश्ता होगा तुम्हारा भी साउथ से, सारा दिन फोन लिए रहते। कितने सब्सक्राइबर हो गए सरिता, मतलब कितने वॉच टाइम हो गया? मशीन लगा लेते, छोड़ो कौन गिनता, आने तो देते, मशीन ही लगवा लेते। सरिता कह रही लगता है आंखें फूट जाएंगी। मीना कोठारी, अरे गाना सुना दिया क्या अर्णव ने? अर्णव तुम्हारे देखो गाने की क्या धूम मच रही है। अर्णव गाना तब सुनाता है जब अर्णव खुद लाइव होता है ना, और अर्णव के साथ के खूब सारे भाई सहेलियां होती हैं, दोस्त होते हैं इसके, तो ये मेरे मेरे में यहाँ थोड़ी सुनाएगा, वो वहीं सुनाएगा बजा के गा के। संजीव सक्सेना, अच्छा ओके। संगीता हाय हेलो, सरिता टू घर दीदी, मुझे घर नहीं समझ में आया मेरे। अच्छा अर्णव, अब अर्णव ये सुनाएगा। अर्णव जब तुम लाइव जाओगे तो मुझे बता दो, और यही गाना मैं मीना कोठारी मैडम को भी कहूंगी, आप लाइव आ जाओ तो तुम्हारा गाना सुनेंगे तब हम। आप बताओ तुम कब लाइव आ रहे हो और कब ये गाना सुना? तुम्हारे को देखो एक और मिल गया सुनने वाला, तुम बोलते हो ना मुझे सुनने वाला कोई नहीं। मेरे ख्याल से संजीव सक्सेना जी, अब आपने 52 लिखा ना, उसको आप डिलीट कर दो। मुझे किसी ने बताया कि नंबर नहीं डालते इसमें, पता नहीं क्यों वो कट जाता है, तो प्लीज़ नंबर वाला ना 52 वाला आप डिलीट कर दीजिए। आप इस पर प्रेस करके और इसमें ऑप्शन आ जाएगा, मैसेज को रिट्रैक हो जाएगा, रिट्रैक्टेड। संजीव सक्सेना जी उसको डिलीट कर दीजिएगा, अर्णव की कुंडली नहीं बन रही। अर्णव तो भैया 2000, ओके 2000 वॉच टाइम आया है, गुड। और ठीक है, हाँ। तो सरिता जी ये मतलब जो हम लाइव जाते हैं उसका भी ऐड हो के बता रहे होंगे ना? संगीता आप किससे पूछ रहे हो, कहाँ से हो? क्योंकि यहाँ पे अर्णव भी हैं, संजीव हैं, सरिता हैं, तो आप नाम लेके पूछोगे तो उनको पता चलेगा। एक्चुअली ऐड होता है लाइव का, ओके, चाहे हम इसको पोस्ट करें या ना करें ना, पता कोई जरूरत जरूरी नहीं है कि इसको हम पोस्ट करें, ऐसा है। हाँ नो, टिप दो, बिल्कुल टिप दो बच्चे, हमें तो कहाँ पता है। तुम्हें पता है मैं तो अभी आई हूँ ना 2 दिन, 2 बार से लाइव, मुझे तो नहीं मालूम ज़्यादा। अर्णव के राज खाते इंटरटेनमेंट, अर्णव के 444 सब्सक्राइबर हैं, 444, और ये लाइव आते हैं। अब इनसे पूछो क्या जुगाड़ करके लाइव आते हैं, अगर आपको आना है किसी को भी, शिल्पी भी हैं उसमें जिनके कम हैं। प्लेलिस्ट बनाओ चैनल की और रात को लगाकर, डिलीट मत करना लाइव, मैं तो कर दिया कल वाला। मेरे बच्चों ने कहा ये क्या बनाया हुआ है आपने, आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया, अगर है जाना है तो लाइव तरीके से जाओ और क्वेश्चन आंसर करो, बात करो, या जो भी कुछ पूछते हैं उसका आंसर दो, तो क्यों लाइव जाना है अगर ऐसे ही, मतलब अगर फेस नहीं दिखाना है तो मेरा लाइव उन्होंने कल का डिलीट करवा दिया। लेकिन वो बोल रहे थे डिलीट भी हो जाता है तो भी वो ऐड होता है, पता नहीं, आप बताओ कि सही है। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है प्लेलिस्ट बना के चैनल की और रात को लगा कर सो जाओ, तो वो क्या ऐड होगा हमारा खुद का, 2 बार देखा, 3 बार देखा, या दूसरे का भी कितनी बार देखा ऐड होगा क्या?
हमारा प्लेलिस्ट बताओ पहले तो, हमारा प्लेलिस्ट बना के हम बनाए चैनल की और लगाए, चलो लगा दिया सपोज, तो क्या वो ऐड होंगे? तुमको क्या अनुभव है, अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ। आई थिंक ना, आई थिंक यस, आई थिंक हाँ मे बी ऐड होता होगा शायद, पता नहीं। मेरे पास कोई प्रतिभा और प्रतिभा नहीं है बाबा संजीव जी। हाँ संजीव जी आप क्या करते हैं? आप भी मेरे से छोटे ही हैं, संजीव भी बोलोगे साथ के ही हैं या जो भी है। टू लेवर साइड, किसी और की आईडी से लगा के सो जाओ, टू बी ऑन सेफर साइड। ओके, किसी और की आईडी से लगा के सो जाओ। उसके लिए मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। हाँ चलो अपने फ्रेंड लोगों से बोलना पड़ेगा, प्लेलिस्ट बना दो भाई मेरी। अच्छा वो दूसरा भी बना सकते हैं क्या प्लेलिस्ट? मेरी प्लेलिस्ट तो मेरे पास ही होगी ना, या कोई भी बना सकता है। ओके अनु, मुझे अनु तुम्हारे कितने वॉच टाइम तो ज़्यादा हो गया होगा सब्सक्राइबर्स से। अच्छा मधु है क्या यहाँ पर? मधु संगीता है, राज है, हेलो बोलो तो एक बार, मुझे मधु से बोलो एक बार, मुझे मैसेज करे, मुझे उन्हें कुछ कहना है। अच्छा मे आपके चैनल की प्लेलिस्ट सबको शो होगी? ओके ओके, अच्छा मैं ही बना सकती हूँ उसे, ठीक है। मतलब वो लोग पीछे पड़े हैं तुम्हारे मोनेटाइजेशन के और आपको नहीं कराना है? वेरी गुड। कहना नहीं, तुम मेरे पीछे मत आओ, मुझे को नहीं कराना है मोनेटाइजर। हो गया होगा ना, तुम कब से आ रहे हो लाइव? नहीं वो पीछे नहीं, फिर तो क्यों नहीं कराना मोनेटाइज? ओके वॉच टाइम कितना है? मैं पूछ रही थी वॉच टाइम कितना है। तो तुम भी सबके करो ना सब्सक्राइब, तुम्हारे पास भी आ जाएंगे। मुझे टिप दे रहे हो, मैंने भी तुमको रिटर्न टिप दे दी है कि आप जाके सबको करो फ्रेंड बनाओ, तो वो भी आपके बनेंगे, आप उनके देखोगे वो भी आपके देखेंगे। हाँ बहुत पॉलिसीज तो हैं, लेकिन अगर 4000 आर आपके हो गए हैं तो फिर क्या पॉलिसी है? 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे ही तो है पॉलिसी, और क्या है? बताओ तो, 400 तो हो गए हैं, 600 और चाहिए। अभी देखो मेरी फ्रेंड है ना, मैं उनसे करवाती हूँ, तुम्हारा एक मीना मैडम करेंगी, देखो तुम्हारा मधु करेंगी, राज करेगा, तीन शिल्पी करेगी, चार चार तो तुम्हारे आ ही गए हैं और तो आपके पास पहले से हैं, चार तो मैं आज बोलती हूँ इनको, ठीक है। मैकडी जी हैं, हाँ वो मेरे पास कल मैंने देखा था, आप ही के उसमें थे। तो एक फ्रेंड से क्या होगा, उनको मैसेज करो ना, मेरे लाइव चैट पे आ जाएं एक बार, अपने फ्रेंड को मैकडी को जरा पूछे तो इनका इंट्रोडक्शन हम भी ले लें, क्या करते हैं, क्या हैं, क्या करती हैं।
उनके 6K सब्सक्राइबर है और 6K वॉच टाइम आवर्स। पा तो वो क्या मतलब सब कंप्लीट है फिर भी मॉर्निंग नहीं हो रहा है? ओ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो लाइव आती हैं या ये तो नहीं कि लाइव का नहीं जुड़ता? भाई ये भी देख लो, जब इतना सब हो गया, 6K सब्सक्राइबर हो गए, 6K वॉच टाइम हो गया, और क्या चाहिए भाई? ओके फुल लॉन्च होना चाहिए। केवल लाइव से काम नहीं चलेगा, मीन्स ना कि लाइव से आप अपने कवर कर लो, क्योंकि कल एक कोई थी लाइव में, उनके लाइव में गई थी, मैंने उनको बोला था, प्लांट वाली ही थी, वो आई नहीं अभी, तो बोल रही थी मैं आऊँगी कल, तो खैर कोई बात नहीं, पर वो बोल रही थी कि मेरे तो हो गए हैं और वो तो कुछ करती नहीं, वो लाइव जाती हैं आई थिंक, थोड़ा बहुत जो भी करती होंगी, तो कैसे उनका मोनिटाइज होगा? हाँ देखो यही तो पता चलता है एक दूसरे से, पता नहीं कितना मिलता है, जिसको मिलता है उसे तो बहुत मिलता है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता। संजीव सक्सेना, आप संगीत टीचर हो? संगीत टीचर कौन है? संजीव है। कितना मिलता है? चलो अरनो बताओ, 10 रुपया? ₹13? 13 रुपये के लिए कौन इतना मत्था मारेगा? सही में मुझे पता है, जा अगर हम संभावना सेठ वगैरह के जैसे बनते हैं, और भी बहुत सारे गार्डनिंग के भी बहुत हैं, तब तो बात है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है ऐसे। ठीक है, प्रयास करते रहना चाहिए, कोई बात नहीं, ना मिले अब वायरल तो हो, एटलीस्ट फेमस तो हो, अच्छा तो लगे अपने को ही। अब देखो गुरुजी बना दिया संजीव आपको, अर्णव ने तुरंत हाथ जोड़ लिया संगीत के नाम से, संगीत टीचर के नाम से। संजीव जी का फ़ोन शायद काम नहीं कुछ, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है बता रहे थे ना, तो शायद इसीलिए जल्दी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सर गा गा रे रे सही जो नए हैं प्लीज वो हेलो कर दे मुझे, बस हेलो कर दीजिए सो दैट मैं जान जाऊं। अच्छा, ये सुर में बात कर रहे हो, राइट। अच्छा जो मैंने इस तरह से पकड़ा है वर्टिकली मोबाइल, तो वो छोटा सा आएगा ना, क्योंकि जब मैं ऐसे करी तो वो मैं प्लांट दिखा रही थी, रोटेट डिवाइस बोल रहा है, पता नहीं क्यों। ओ ओके थैंक यू क्या नाम है उनका? राखी। मीठे नीम की देख के, हाँ राइट, मैंने बनाया था करी पत्ते का, उनको भी लाओ ना लाइव, उनको भी। कहाँ पर हैं अभी आपके पास, या आप कहीं और हैं, तो उनको भी लाओ ना, बात करेंगे उनसे भी।
जो वो मेरा वीडियो देखती है तो उनको तो जरूर होना चाहिए इस समय। सो नाइस, मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना उनको। अर्नव तो हद ही है, अर्नव के अभी सुर लग गए हैं, उसकी सारी बातें सुर ताल में ही हो रही हैं, वो पता नहीं उसका सुर ताल वो ही जाने। अर्नव आप सोचो, तुम्हारे भी गुरुजी आ गए मेरे चैनल पे, देखो तुम तो गाते हो, अब तो अब तुमको गाना जो है बड़े संभल के पड़ेगा, अगर संजीव जी ऑनलाइन है तो अब तुम्हारा सुर ताल पकड़ लेंगे वो। राखी जी को जरूर बोलना मेरी तरफ से धन्यवाद। अब अर्णव को बहुत सोच के गाना पड़ेगा। संजीव जी बता दीजिए अर्णव को, आप सच में टीचर हो म्यूज़िक के, तो मैं अब ऑफलाइन होने की तरफ। हाँ जी हैं, हाँ अर्णव तुम अब सोच समझ के गाना गाना, वैसे तो अच्छा ही गाते हो बजाते भी हो खैर, लेकिन फिर भी आप संजीव जी आपको और कुछ भी बता सकते हैं कहाँ पे आप गलत गए हैं। कुछ नए लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 5:30 हो गए, यस सही कहा, बिल्कुल सही। म्यूजिक, गार्डनिंग और कुकिंग एक साथ ही मिलती है इंसान में, राइट? कला, राइट राइट, बिल्कुल सही कहा, क्लोज है बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अर्णव आप भी काम करो, और थैंक यू सो मच संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी लोगों को मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।